मैं फक कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुमरा में आसरा एनजीओ की तरफ से रखा गया था फ्री आई चेकअप कैंप। इस एनजीओ की फाउंडर प्रेसिडेंट शाइना आजमी मुमरा में काफी एक्टिव रहती है और सोशल वर्क में भी काफी आगे रहती है। आज शनिचर 5 नवंबर 2022 को आसरा एनजीओ की तरफ से रखा गया था फ्री आई चेकअप कैंप। हमने शाइना आजमी जी से बात की, देखिए उन्होंने आपा अभी आपने यहाँ पे एक आई कैंप रखा हुआ है, क्या है जरा इसका डिटेल्स बताएंगे। ये फ्री आई चेकअप कैंप हमने लोगों के लिए रखा है, कॉमन पब्लिक के लिए, जिनके भी रीडिंग में प्रॉब्लम है या आंखों में दूर या नजदीक का जो भी प्रॉब्लम है उसका चेकअप यहाँ पे आकर फ्री में करवा सकते हैं। उसके अलावा जिनको रीडिंग के चश्मे यहाँ निकलेंगे फौरन, उसी वक्त हम उनको चश्मे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैंप पूरा का पूरा आसरा एनजीओ की तरफ से रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल आसरा एनजीओ की तरफ से। इसमें कोई पॉलिटिकल? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। जी जी, इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, मतलब सिर्फ आई चेकअप हो रहा है या चश्मा वगैरह भी दिया जा रहा है कुछ? चश्मा भी फ्री में हम दे रहे हैं यहाँ पे अभी इस कैंप में। उसके अलावा भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंप्स हफ्ते हफ्ते में करते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये कैंप का डिटेल्स बताएंगे, मतलब इसमें क्या क्या किया आप लोगों ने अभी तक? हाँ। जितने कैंप हमने किए हैं उसमें हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो लोन मेला था वो हमने लगाया, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था हॉकर्स के लिए, उसमें भी हमने 200 लोगों को तकरीबन लोन का अप्रूवल करा के दिया। उसके बाद हमने बैंक अकाउंट ओपनिंग का कैंप रखा था। रेगुलर बेस पे हम यहाँ पे कैंप्स करते हैं। उसके अलावा जो हमारे काम है वो हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। हम यहाँ से हर तरह के डॉक्यूमेंट बनवा के देते हैं लोगों को। ये कैंप सिर्फ मुमरा वालों के लिए है? जी नहीं, ओपन फॉर एवरीवन है। अब तक कितने लोग आ चुके हैं कैंप का फायदा उठाने? 40+ लोग आ चुके हैं सर अभी तक। मतलब ये शाम को 4 बजे तक के चल रहा है? जी हाँ। तक और जितने भी लोग आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 100 का टारगेट है कि हम 100 लोगों को फ्री चश्मे देंगे। मगर इंशाल्लाह अगर ज्यादा बढ़ा तो हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। या आगे भी आप इस तरीके से एक्टिविटीज चलती रहेंगी क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल चलती रहेंगी, जो भी हालात हाजिरा के हिसाब से जरूरत रहेंगी इंशाल्लाह उस पे हम कुछ ना कुछ कैंप करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज़।